गुजरात में मास्क ना पहनने वालों के लिए हाईकोर्ट ने अनूठी सजा सुनाई है। आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि राज्य में जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन्हें कोविड सेंटर में भर्ती लोगों की सेवा करनी होगी, ये अनिवार्य किया जाता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है। देश में कोरोना के आंकड़े बीते 5 दिनों से कुछ राहत देने वाले हैं। हर दिन एक्टिव केस में कमी आ रही है। बीते 3 दिनों से नए केस भी 40,000 से कम आ रहे हैं। मंगलवार को कुल 36,456 मरीज मिले, 43,203 ठीक हुए और 500 की मौत हुई। अब तक कुल 94.99 लाख केस आ चुके हैं। इनमें से 89.31 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.38 लाख की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 4.27 लाख हो गई है। यह पीक के बाद सबसे कम है। 17 सितंबर को देश में सबसे ज़्यादा 10.17 लाख एक्टिव केस थे। आपको यहाँ ये भी बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से हिमाचल के इतिहास में पहली बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया गया है। ये सत्र 7 से 11 दिसंबर तक किया जाना था। कैबिनेट ने सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों करने पर रोक लगा दी है। राज्य में सार्वजनिक कार्यक्रम करने से पहले SDM की इजाजत लेनी होगी। शादी, जन्मदिन के अलावा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग हुए तो कार्यक्रम करने वाले पर 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना टेस्ट की फीस तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके लिए एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.